मेरी आंखें
नमस्कार की महाराज बहुत आपकी गरीबी है, मेरा जीवन इजा हो गया है कि मैं अपने बच्चे को कमा के खवा नहीं सकता। महाराज ने कृपा की, थोड़ा खिलौना देता भाई जाके कुछ करी। गुरु नानक के दसवां का खजाना भी अपने कोल रखी। जब तेन कोई लाभ हो उथे एक खाता गुरु नानक साहब महाराज का भी खोल ओद अपना दसवंत कर। सच जाने उस गरीब ने क्या महाराज जिथे मेरी गरीबी कटी जाएगी मैं अपना दसवंत जरूर गुरु नानक के खाते में पावगा। उस गरीब ने भी अपनी फलिया की रेहड़ी लाई है। महाराज का खिन खिन शुकराना करता है पारक की इवजी कृपा वरती। एक रेहड़ी तो दूजी दूजी तो तीजी उन्हें अपनी दुकान ही पा ली थी। महाराज ने इवजी कृपा की, थोड़े दिनों दे विच ही ओदी गरीबी कटी गई। वो इन्ना धनवान हो गया, सोना महल बना लिता है। सतगुरु का कोटान कोट धनवाद शुकराना कर लग पिया। गुरु अमरदास साहब जी महाराज के चरणों के एक गरीब पंडित आया, कह लग्या महाराज मेरी बच्ची दे कारज ने ते तुसी कृपा करो, मैनू कुछ को माया दियो ताकि मेरी बच्ची दे कारज हो जान। ये गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने कहा भाई जा हड़ाले नगर दे विच गुरु दा सेवक रहिंदा है ओदे कोल खजाना ले ते तेनू ओ दे देवेगा। ओ पंडित जदो गया है ना उस महल दे विच वड़दे ही उस शौकार ने धनवान ने कह दिता भाई जदो मैं अपनी हट्टी ते जावांगा ते तां आवी। जदो ओ गया ते गुरु महाराज की कृपा वरती, गुरु साहिब की कृपा वरती के जदो ओ धनवार गया ना ते ओदे कोल जाके कहण लग्या मैनू गुरु साहिब ने भेजिया है तुहाडे कोलो अपनी बच्ची के कारज वास्ते, सुनिया है तुहाडे कोलों गुरु नानक दा खजाना है। सच जाणियो
क्योंकि जदो माया आ जावे ना ते अहंकार भी बहुत आ जाता है। वो जदो गया है उन्हें साफ ही इनकार कर देता है ते बड़ी ही उदासी लेके जदो बढ़िया ना गुरु अमरदास साहब जी पास महाराज नू कहन लग्या भाई उन्हें कुछ दिता है। वो कहन लग्या गुरु नानक दा इत्थे कोई खजाना ही नहीं है। ते सच जाणियो गुरु अमरदास साहब जी महाराज ने भी कह दिता कि जे भाई गुरु नानक दा खजाना नहीं है ना ते सच जाणियो अज तो गुरु नानक दा खजाना ओहदे वास्ते भी बंद है। गुरु महाराज ने जदो एक जी भावना रखी ते उस सोकार दा कोई वड्डा कारोबार सी ओहदे विच वड्डा घाटा पै गया। सच जाणियो जिदा ओह गरीब सी ना उस दी हालत विच आ गया है ते मन दे विच सोचदा है हुण गुरु साहिब दे चरणां दे विच जावांगा किहड़ा मुख लै के जावांगा। सच जाणियो ओह गरीब बन गया है ते गुरु चरणां दी जिहड़ी सेवा इहनां लंगरां दी सेवा ओह चुप चुपाए करके गुरु दे चरणां दे विच जांदा है लंगर दी सेवा करदा है। अत दी गरीबी आ गई कहण वाला पाओ है कि गुरु साहिब ते घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। अपने गुरसिख नूं घल्लिया कि फलाणी थां ते ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਓ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਜੋ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਜਿਨ ਤੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਈ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਕੱਠੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਨਕ ਤੇ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬਲਹਾਰ ਜਮਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਏ। ਆਪੇ